प्रदेश सरकार की पत्तल में है छेद, ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने का नहीं हक। सुखू दिल्ली में अलग तो चुनावों में अलग देते हैं बयान, जेपी नड्डा के निशाने पर सुखू की सरकार। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये चिट्ठे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण हमने एक बार नहीं बतौर एमएलए भी देखा है, मैंने देखा है, अपनी धरती पर देखा है। नमस्कार, आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूँ आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इन दिनों 2 दिवसीय दौरे पे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो पहली बार प्रदेश में आए। प्रदेश में आने के साथ सरकार ने उनसे आस लगाई थी कि पहली बार वो मंत्री बन के आए हैं तो निश्चित तौर पे सरकार को कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर जाएंगे। जेपी नड्डा ने बिलासपुर के आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से प्रदेश सरकार को घेरा है और जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए परिस्थितियां इतनी आसान नहीं होंगी। अक्सर शांत रहने वाले जगत प्रकाश नड्डा के आक्रामक तेवरों से साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की मुश्किलें अभी आगे बढ़ने वाली हैं। उन्होंने मंच पे कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार थ्रस्ट है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो भी दिया जाता है वो रास्ते से गायब हो रहा है। उन्होंने ये बहुत बड़ा आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है, साथ ही उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दोहरी बात कहने वाला मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पत्तल में छेद हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के सीएम की 2 भाषाएं हैं। जब सुक्खू चुनाव में जाते हैं, कहीं भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो चाहे प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, वहां पे कहते हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है, और अक्सर वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। वो कहते हैं कि धन्यवाद, हमें ये भी मिल गया, हमें वो भी मिल गया, और उसके बाद कहते हैं हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना में 93,000 घर दिए गए थे, जब इनसे हिसाब मांगो तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिसाब नहीं देती है। नड्डा ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर बड़ा हमला करते हुए कहा, यदि केंद्र सरकार मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार एक भी दिन नहीं चल पाएगी। केंद्र हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिशिएट की ग्रांट देता है, तभी इस हिमाचल प्रदेश की सरकार सैलरी और पेंशन दे पाती है। नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की बुद्धि और मति दोनों ही भ्रष्ट हो चुकी हैं। इन्होंने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में स्वच्छता अभियान और ODF करने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। कुल मिलाकर के नड्डा के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि भाजपा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को किसी भी तरह की रियायत देने के पक्ष में नहीं है। अब देखते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इसका क्या जवाब आता है। जब जगत प्रकाश नड्डा नाहन में पहुंचते हैं तो उनके तेवर कैसे होते हैं, और क्या वो बड़ी घोषणा प्रदेश के लिए करते हैं या एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर ही निशाना साधते हैं। जेपी नड्डा के नाहन दौरे पे पूरी नजर रहेगी। आप यूं ही देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।